नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाशियाना बिल्डर्स में। आज आपके लिए लेके आया हूँ 3 BHK का फ्लैट जो कि 100 गज में बनके तैयार हुआ है विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ। बहुत ही शानदार फ्लैट है दोस्तों, लोकेशन बहुत ही अच्छी है, मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे। हाँ जी दोस्तों, द्वारका मोड़ से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे आपका ये फ्लैट रहने वाला है। बहुत ही शानदार फ्लैट है, लोकेशन बहुत ही अच्छी है दोस्तों। यहाँ से सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल रहने वाली है, सभी चीजें इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार मैं आपको पूरे फ्लैट का ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये है हमारा मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साइड में आप लोगों ने देखा होगा, इस साइड पे आपको टीवी पैनल दिख जाता है। मैं सबसे पहले आपको टीवी पैनल ही दिखा देता हूं। आप देख सकते हो इस पूरी वॉल पे टीवी पैनल आपका बनाया गया है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वुडन यूज की हुई है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन एंड व्हाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें आप देख सकते हो सेंटर में ये दोनों चीजें आपकी, यहाँ पे तीसरी चीज ये है, ये चीजें व्हाइट कलर की यूज की है और पीछे का पूरा बैकग्राउंड है जो आपका यहाँ पे ब्राउन कलर लगा हुआ है। स्पेस कितना ज्यादा है आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे शो पीसेस रखने का ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस है, नीचे बहुत ज्यादा स्पेस है शो पीस रखने का। उसी के साथ ये देखिए यहाँ पे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए, स्टोरेज की आपको यहाँ पे कमी बिल्कुल नहीं रहने वाली है टीवी पैनल के अंदर। लाइट्स मिल जाती हैं आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे लाइट जली हुई है, यहाँ पे हमने आपको टीवी पैनल्स में भी लाइट लगा के दी है। तो दोस्तों ये था आपका टीवी पैनल। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा टीवी पैनल के बिल्कुल ऑपोजिट में आप हमेशा चाहते हैं कि सोफा ही हो, तो दोस्तों आपके बिल्कुल टीवी पैनल के ऑपोजिट में यहाँ पे आपको सोफा मिल जाता है। आप देख सकते हो सोफा लगने के बाद कितना स्पेस है, यहाँ पे आपका कॉफी टेबल भी लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया हुआ है, बहुत ही शानदार वॉलपेपर है, देख सकते हो कितना डिसेंट सा लग रहा है। और तो और दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैं इसको फील कर सकता हूँ, मैंने टच किया हुआ, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस वॉल पे यहाँ पे हमने आपको स्प्लिट AC का कनेक्शन दिया हुआ है, स्प्लिट AC का कनेक्शन आपको मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों आप इस वॉल को देखिए, ये वॉल बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया हुआ है। ग्लास का काम किया हुआ है, गोल्डन कलर का ग्लास है, ग्लास का काम किया हुआ है, कलर्स का बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का जो यूज किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा किया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है आप लोगों का। ये जो ड्राइंग रूम है आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस बहुत ही अच्छा था, स्क्वायर में है। सबसे अच्छी चीज इसकी है कि ये स्क्वायर में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ड्राइंग रूम। उसी के साथ अब मैं दिखाता हूँ आपको फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग के अंदर भी आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक झूमर लगाया हुआ है,
जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सेंटर में आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर में हमने आपको झूमर लगा के दिया है, जिसमें दो तरह की लाइट्स हैं, एक पिंक लाइट और ब्लू लाइट, दो लाइट्स हमने इसमें यूज की हुई है। और झूमर के अंदर जो झूमर है, झूमर की सारी लाइट्स हैं जो चेंज होती रहती हैं, आप देख सकते हो हर कुछ सेकंड के बाद इसकी जो लाइट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। फॉल सीलिंग में साइड में भी कॉब लाइट्स दी हुई हैं और येलोइश लाइट बाउंड्री में दी हुई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे बाउंड्री में भी लाइट दी हुई है। उसी के साथ मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाना चाहूंगा। इस साइड पे आपका यहाँ पे ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के बिल्कुल ओपोजिट में यहाँ पे आप लोगों को आपका कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। इस साइड पे आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। उसी के साथ में ये जो वॉल है बिल्कुल ओपोजिट साइड पे, यहाँ पे भी आपको शोपीस मिल जाते हैं। छोटे छोटे से स्पॉटलाइट्स लगाई हुई है, आप देख सकते हो स्पॉटलाइट्स यहाँ पे लगाई हैं। शोपीस आपको यहाँ पे रखने का स्पेस मिल जाता है। ऊपर से यहाँ पे भी आपको एक लाइट लगा के दी हुई है, हमने देख सकते हो यहाँ पे एक तरह से लैंप लाइट है जिसको हमने ऊपर लगाया हुआ है। ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है आपके ड्रॉइंग रूम के अंदर। आइए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कॉमन वॉशरूम के अंदर। दोस्तों ये है हमारा कॉमन वॉशरूम, आप देख सकते हो स्पेस अच्छा है, यहाँ पे स्पेस बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ा हमने यहाँ पे शाफर्ड आपको दे दिया है, शाफर्ड काफी बड़ा मिल गया यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए। वॉल टू वॉल टाइल्स का यूज किया हुआ है, आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर की इस साइड पे टाइल है और दूसरी साइड पे दोनों साइड पे व्हाइट कलर की टाइल्स है। सेम इसी तरह का काम भी इस साइड पे किया हुआ है। अब आपको जो कमी लग रही है यहाँ पे, आई एम श्योर सैनिटरीज की ही लग रही है। सैनिटरीज हम आपको लगा के देंगे, अच्छी क्वालिटी की सैनिटरीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अच्छी क्वालिटी की सैनिटरीज हम आपको यहाँ पे लगा के देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉशरूम के अंदर आपको सारी चीजें ए टू जेड होके मिलेंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि हमारे कॉमन वॉशरूम के बिल्कुल साइड में है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम। आपने अंदर आते ही सबसे पहले नोटिस किया होगा कि स्पेस काफी ज्यादा है और ब्राइटनेस काफी ज्यादा है इस रूम के अंदर। आप देख सकते हो कि ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स का कलर है वो व्हाइट कलर है। इस साइड का जो वॉलपेपर है ये भी बहुत ब्राइट है, जिसकी वजह से रूम है काफी ब्राइट लग रहा है। लाइट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज की हुई है। वॉलपेपर का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे वॉलपेपर का डिजाइन बनाया हुआ है। स्पेस काफी ज्यादा है, स्पेस की कमी इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमने एक आपको अलमीरा भी दे दी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अलमीरा दे दी है स्टोरेज के लिए। नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, स्टोरेज की कमी नहीं है इस अलमीरा के अंदर। स्टोरेज बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको, स्टोरेज बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोगों ने देख सकते हो आप लोगों को बहुत ही अच्छा वॉलपेपर लगा के दिया है। अब हम बात करते हैं फॉल सीलिंग के बारे में। फॉल सीलिंग बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, बट बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है इसमें भी, क्योंकि बहुत डिसेंट सी है। साइड में कॉब लाइट्स हैं और उसके साथ में बाउंड्री में ब्लू कलर की लाइट्स यूज की हैं, तो बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है या बहुत ज्यादा शानदार नहीं है, बट डिसेंट सी यहाँ पे फॉल सीलिंग हमने यूज की हुई है। उसी के साथ स्प्लिट एसी का कनेक्शन भी आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। आइए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने ड्रॉइंग रूम से किचन की तरफ। हमारा ये ड्राइंग रूम था, इसके बिल्कुल सामने इस साइड पे आप लोगों को आपका कॉमन वॉशरूम मिल गया है। यहाँ पे जो आपका डोर है मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साइड में, आपका ये जो दूसरा दरवाजा है ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। अब हम लोग चलते हैं अपने किचन की तरफ। यहाँ से ड्राइंग रूम से इस साइड पे आके आपका फर्स्ट किचन आ जाता है। स्पेस काफी ज्यादा है, यहाँ पे भी स्पेस किचन में काफी ज्यादा मिल चुका है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेस है, स्क्वायर में आपका ये किचन यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर से एक चीज बहुत ही अच्छी है, जो आपका किचन की एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस इस साइड से तो वॉल ऐसी है, बट इस साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल का काम है जो बहुत ही अच्छा किया हुआ है। एक अलग शेप में यहाँ पे वॉल को जो है बनाया गया है। उसी के साथ यहाँ पे हाफ वॉल टाइल्स का काम किया गया है। इस साइड पे आप लोगों को यहाँ पे किचन के बिल्कुल साइड में आप लोगों को आपका इंटरकॉम फैसिलिटी है जो वो मिल जाती है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे किचन के अंदर। स्टोरेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो होती हैं किचन के अंदर रखनी होती है, और लेडीज के लिए हमेशा कितना भी स्टोरेज दिया जाए वो कम ही लगता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज देने की कोशिश करते हैं। तो इधर पे आप देख सकते हो स्टोरेज काफी ज्यादा है, काफी अच्छा स्टोरेज है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, स्टोरेज बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको। इस साइड पे भी स्टोरेज काफी ज्यादा मिल जाएगा, स्टोरेज की कमी पूरे किचन में नहीं है। व्हाइट कलर का वुडन का काम किया हुआ है। नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाएगा, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है,
आप देख सकते हो नीचे भी आपको काफी स्टोरेज है जो मिल जाता है। स्टोरेज की कमी आपको नीचे भी नहीं होने वाली है। नीचे यहाँ पे ब्राउन कलर की हम लोगों ने वुडन पे काम किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे जो किचन में यूज हुआ है ग्रेनाइट। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन कलर का ग्रेनाइट हमने यूज किया हुआ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट है। बहुत ही थिक है, देख सकते हो आप कितना यहाँ पे हम लोगों ने इसको काफी मोटा है, डबल यूज किया गया है आई थिंक सो। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उसी के साथ इसी के साइड में आप देख सकते हो सिंक में बहुत ज्यादा स्पेस है। सैनिटरीज हम आपको लगा के देंगे, अभी लगी नहीं है बट सैनिटरीज हम आपको यहाँ पे लगा के देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चिमनी की। दोस्तों ये हमारी चिमनी है, यहाँ पे हमने आपको चिमनी लगा के दी है। चिमनी उसी के साथ सबसे प्यारी चीज, सबसे खूबसूरत चीज जो हमारे किचन के अंदर है वो मैं आपको दिखाने जाने वाला हूं। दोस्तों हमारे किचन के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक झूमर बनाया हुआ है ब्राउन कलर में। देखिए छोटा सा है बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जो कि घूम रहा है, आप देख सकते हो। लाइटिंग का काम इसमें बहुत अच्छा किया हुआ है इस झूमर के अंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये झूमर। उसी के साथ फॉल सीलिंग के साइड में भी ब्लू लाइट्स यूज की हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा किचन, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, फुल्ली मॉड्यूलर हमारा किचन था। उसी के साथ अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। आइए दोस्तों, दोस्तों ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। इस सेकेंड बेडरूम के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारा जो सेकेंड बेडरूम है ये बालकनी में खुलता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये बालकनी के साथ अटैच्ड है हमारा जो सेकेंड बेडरूम है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने बेड लगा के दिया आपको सैंपल के लिए। उसके पीछे की वॉल बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है वो वॉल। इसको बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट सॉरी येलो कलर का यहाँ पे कवर यूज किया गया है। ग्लास का काम भी सेंटर में बहुत यूज किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में लाइन से जो ग्लास का काम भी यूज किया है। उसी के साइड में दोनों साइड की जो वॉल्स हैं यहाँ पे लैंप लगाया गया है, वॉल पे दोनों वॉल्स पे लैंप लगाया है। स्पेस दोनों साइड पे मिल जाता है। सैंपल के बाद आपको यही चीज का बेनिफिट है कि आपको ये चीज पता चल रही है कि आपको दोनों साइड पे है जो स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है, ऊपर से यहाँ पे स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। स्टोरेज की भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली है। अब मैं बात करता हूं फॉल सीलिंग के बारे में। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं फॉल सीलिंग। इसकी भी बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है बट इसमें अच्छी चीज क्या है कि इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो तीन यूज की हैं, कॉब लाइट्स यूज की हैं, ब्लू कलर की बाउंड्री लाइट्स यूज की हैं और सेंटर में पिंक कलर की लाइट यूज की हुई है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी लग रही है, वो लाइट्स भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब मैं बात करता हूं इस रूम की वेंटिलेशन के बारे में। ये हमारी बालकनी से अटैच जो है विंडो है, ये विंडो है जो कि बालकनी में खुलती है। दोस्तों आप देख सकते हो ये वाली विंडो बालकनी में खुलती है। ऊपर हमने विंडो इसी लगाने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं अपने बालकनी की तरफ। दोस्तों ये हमारी बालकनी आप देख सकते हो, बालकनी काफी बड़ी है, काफी लंबी है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी लंबी बालकनी है, बहुत ही अच्छी है। वॉल टू वॉल टाइल्स का काम किया गया, आप देख सकते हो वॉल टू वॉल टाइल्स यूज की गई हैं, टाइल्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसी के साथ ऊपर हैंगिंग लाइट लगा के दिया हम लोगों ने, आप देख सकते हो हैंगिंग लाइट्स हैं, दो हैंगिंग लाइट्स हैं। दोस्तों इस साइड पे भी आपको हैंगिंग लाइट है जो वो मिल जाती है, ये देखिए इस साइड पे भी एक हैंगिंग लाइट मिल जाती है आपको। ग्रिल का काम बहुत ही अच्छा किया है, ग्रिल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बीच में सेंटर में हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है जो कि डिजाइन है, काफी अच्छा डिजाइन बना हुआ है ग्लास के ऊपर ही, ग्लास लगा के दिया हुआ है हम लोगों ने आपको, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बालकनी काफी बड़ी है, काफी लंबी बालकनी यहाँ पे आपको मिल जाती है। साइड में ये वाली विंडो है जो कि आपका मास्टर बेडरूम के साथ मास्टर बेडरूम से यहाँ पे खुलती है। इस रूम से निकलते ही हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। आप देखिए दोस्तों ये है हमारा मास्टर बेडरूम, इसका भी देखिए कितना खूबसूरती से मास्टर बेडरूम को आई थिंक सबसे ज़्यादा खूबसूरत मास्टर बेडरूम को ही डिज़ाइन किया गया। आप देख सकते हो कितना प्यारा बनाया गया मास्टर बेडरूम। सबसे पहले मैं आपको अलमीरा का स्टोरेज दिखाना चाहूँगा, कितना ज़्यादा आपको मिल जाता है। नीचे भी दो ड्रॉर्स मिल जाते हैं आपको, आप देख सकते हो नीचे भी दो ड्रॉर्स मिल गए हैं आपको। उसी के साथ आपको दूसरे साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। आइए दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज काफी ज्यादा मिल जाता है। ये देखिए दोनों साइड पे अलमीरा बनाई हुई है, ऊपर इस साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे शोपीस रखने के लिए हमने स्पेस दिया हुआ है, शोपीस रखने के लिए स्पेस दिया है। पीछे जो वॉल पे ये काम किया है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस साइड पे हमारा बेड रहने वाला है, दोनों साइड पे स्पेस काफी ज्यादा मिल गया। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, काफी ज्यादा स्पेस है जो दोनों साइड पे हम लोगों को मिल गया है।
इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे हमने टीवी पैनल बनाया जो कि बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो काफी बड़ा यहाँ पे टीवी पैनल है। टीवी पैनल के बिल्कुल साइड में यहाँ पे भी लाइट्स का काम किया गया है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स का काम किया गया है, स्पेस दिया हुआ है नीचे हमने। इसी के बिल्कुल साइड में हम लोगों ने यहाँ पे एक मिरर लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिरर लगा के दिया हुआ है आप लोगों को। उसी के साथ मिरर के नीचे हम लोगों ने यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए एक ड्रॉअर दे दिया है। ये विंडो है दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बालकनी में खुलती है विंडो, इसी लगाने का हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ फॉल सीलिंग के बारे में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हम लोगों ने दो फॉल सीलिंग्स यूज की हुई, आप देखिए यहाँ पे सेंटर में लाइट्स के साथ फॉल सीलिंग है, साइड में आप देख सकते हो कॉब लाइट्स लगी हुई है और ब्लू कलर की बाउंड्री लाइन लाइट है। साइड में एक डिजाइन दिया हुआ है एक अलग से, यहाँ पे देखिए साइड में अच्छा डिजाइन दिया हुआ है, ब्लू कलर की लाइट है। सेंटर में यहाँ पे स्पॉटलाइट्स लगी हुई है दो, यहाँ पे ब्लू कलर की और दो यहाँ पे येलो कलर की स्पॉटलाइट्स हमने लगा के दी हैं। साइड में यहाँ पे हमने एक लैंप लाइट लगाई है, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल पे लैंप लाइट लगा के दी हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने शोपीस रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, वुडन का काम किया है वॉल के अंदर ही। उसी के साथ छोटी छोटी सी स्पॉटलाइट्स भी यहाँ पे लगा के दी हुई है हम लोगों ने। तो ये देखा दोस्तों आप लोगों ने हमारा फॉल सीलिंग का काम भी बहुत ही अच्छा किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने वॉशरूम के बारे में। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा वॉशरूम, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अभी सैनिटरीज नहीं लगी हैं क्योंकि सैनिटरीज का काम अभी यहाँ पे चल रहा है, तो सैनिटरीज हम आपको लगा के देंगे। उसके अलावा जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे व्हाइट कलर की टाइल्स लगाई हुई है, फुल वॉल टाइल्स का काम किया गया है। बिल्कुल मेरे साइड में ये देखिए पूरी वॉल पे ब्लैक कलर की टाइल्स लगाई हुई है जिसके ऊपर डिजाइन है, बहुत ही अच्छी लग रही है वो। ये भी फुल वॉल टाइल्स लगाई गई है इस साइड पे। शाफर्ड के लिए यहाँ पे आपको देखिए शाफर्ड लगा के दिया गया, आप लोगों को शाफर्ड भी लगा के दिया है। स्पेस काफी अच्छा मिल जा रहा है, स्पेस भी अच्छा खासा है इसके अंदर भी। यहाँ पे भी दो लाइट्स लगाई हैं, एक सीएफएल लाइट लगाई हुई है और दूसरी कॉब लाइट लगाई हुई है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये फ्लैट कितना शानदार था, कितना खूबसूरत ये फ्लैट था। सबसे अच्छी चीज लाइटिंग का बहुत अच्छा काम किया था, डिजाइन बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ था इस फ्लैट को, आप लोगों ने देखा बहुत ही रॉयल लुक दे रहा था, स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं थी। एक चीज अच्छी थी कि जो चीजें स्क्वायर में होनी चाहिए थी वो चीजें स्क्वायर में बनाई गई हैं। रूम की एंट्रेंस मेरे साइड में आप लोगों ने देखा कि ये किचन की एंट्रेंस बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था। 3 BHK का फ्लैट था जो कि 100 गज में बनके तैयार हुआ है विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ, बहुत ही शानदार फ्लैट था। मैंने आपको बताया कि नियर बाय मेट्रो स्टेशन यहां से द्वारका मोड़ रहने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे। हां जी दोस्तों एक चीज है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। LIC लोन अप्रूव्ड बिल्डिंग है दोस्तों ये। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं हमारी ज्यादातर बिल्डिंग्स जो होती हैं वो LIC लोन अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस ये कहूंगा कि एक बार फ्लैट को विजिट कीजिए, विजिट जरूरी कीजिए, मैं तो आपको कहूंगा जरूर कीजिए विजिट। अगर आप खरीदना भी नहीं चाहते तो आपका मन बन जाएगा खरीदने का, इतना शानदार ये फ्लैट है। तो विजिट जरूर कीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले पे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इस पे कॉल कीजिए, जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। हमारे पास हर तरीके के फ्लैट है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, हर तरीके के फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग कभी भी आके विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों, ताकि हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचती रहे। तो मैं चलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।